कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। मैं कहीं भी रहूं मैक्सिमम तो क्योंकि इस समय भोपाल में रहना पड़ा मुझे कोरोना की स्थिति के कारण। लगभग 325 घंटे 325 महीने में मैंने कोरोना की समीक्षा की है। आज भी मध्यप्रदेश में 34,946 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं कल तक के। मध्यप्रदेश में 703 मध्यप्रदेश लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आज मध्यप्रदेश अभी भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में। कुल मिला के कंपेरेटिव हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। उज्जैन ने इस बार स्थिति बिगड़ी थी लेकिन अब काफी कंट्रोल किया है उसमें। आप सब लोगों का, जनता जनार्दन का, जनप्रतिनिधियों का, कोरोना योद्धाओं का जबरदस्त योगदान है। हमारी थोड़ी सी चिंताएं थी लेकिन मुझे आज थोड़ा समाधान हो रहा है, क्योंकि विशेषकर ग्वालियर अंचल में बड़ी तेजी से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे। आज भी ग्वालियर में 162 आए हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण अब आने वाले समय में स्थिति सुधरने की पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले यहां ज्यादा केस आ रहे थे मुरैना, वहां संख्या नियंत्रित हुई है और भिंड में भी अब संख्या नियंत्रित हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे उस स्थिति को हम नियंत्रित करेंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि अनलॉक के कारण बड़ी संख्या में लोग निकले उससे पॉजिटिव केसेस काफी बढ़े और एक किल कोरोना अभियान के दौरान लगभग 2000 पॉजिटिव केस जो घर घर सर्वे हुआ है उसके कारण निकली है, इसलिए संख्या बढ़ी है। लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। एक विषय और मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता था, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अभी कल से कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए। हमने तत्काल कार्रवाई की, एसपी, कलेक्टर, आईजी, संबंधित पुलिस के अधीक्षक सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़े। जांच घटना की हो रही है, वो जमीन सरकारी है और कोई एक अलग पार्टी ने उस पर कब्जा कर रखा था, हमारा स्कूल बनना था, घटना उसको दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन पूरी घटना की तह में हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमने तो कार्रवाई की, वो जवाब दे 14 जनवरी जब उनकी सरकार थी, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी, घटना को दबाने की कोशिश की थी। नए जब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया तब भी सरकार जगी नहीं। केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के दो बच्चों को सोच जाने पर निर्ममता पूर्वक पीट पीट कर मार दिया गया था, पीट पीट कर मार दिया, तब उन अबोध बच्चों की खींच है ना तो कमलनाथ को दिखाई दी ना कांग्रेस को दिखाई दी। उस मामले में भी सुनवाई नहीं। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तब भी कमलनाथ सरकार जगी नहीं। अलीराजपुर में पानी मांगने पर अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सरेआम पेशाब पिलाई गई लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय भी नहीं जगी। राजगढ़ जिले में दलित बेटी को रेप का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। खुद उनके जिले छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ, 7 दिन तक उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद छत्र दीक्षत उसकी लाश जंगल में पाई गई लेकिन वहां की बेटी को
बेटी का दर्द कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। किस कानून और व्यवस्था की बात कांग्रेस के विरुद्ध करते हैं? हमने तो कार्रवाई की, घर में किसान की सरेआम मॉब लिंचिंग हुई, सड़क पर पत्थर और लाठियों से कुचल कुचल कर किसानों को मार दिया गया, तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही। हमने तो तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं। लेकिन आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, उनको खुद अपने गिरे भाव में झांक के देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, कोई कोरोना के में उज्जैन की स्थिति हो रही है, कोरोना की जब तक अनलॉक नहीं हुआ था तब तक उज्जैन की स्थिति चल रही थी। उज्जैन में जो स्थिति बनी थी कि दो यहाँ पर शुरू हो गई थी कोरोना संक्रमण की, तो उज्जैन को लागू किया तो देश में लागू किया जाएगा। लेकिन पहले उज्जैन का बेहतर कहा कि उज्जैन ने खराब स्थिति से उज्जैन बहुत अच्छी स्थिति में आया था। अब अकेला उज्जैन का मामला नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से अगर कोई संक्रमित आता है तो कोरोना कैसे चलता है हम जानते हैं। लेकिन फिर भी उज्जैन सशक्त है और उज्जैन ने बेहतर काम किया है, कुछ बेहतर काम के जो अनुभव है उसका लाभ जरूर। सर नेपालनगर विधायक समिति, नेपालनगर विधायक क्या बीजेपी में शामिल हो चुकी है कांग्रेस को? अब मुझे तो आश्चर्य लगता कांग्रेस को सोचना चाहिए। हमारी आपने बताया क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस आज टूटता हुआ जहाज है, उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का जो विश्वास नहीं रहा, उसने विश्वास खो दिया है। और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है। कांग्रेस में खतर बची है, अब अभी तक हमारा उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने क्या घटना क्या होगा, लेकिन सर आएंगे तो क्या क्या बताएं क्या आप पूरे घटनाक्रम में जब कांग्रेस खत्म हो रहा था बीजेपी आपने कई बार कहा था हमारे बीजेपी का कोई लेना देना, लेकिन जिन 24 विधायकों ने इस्तीफा दिया वो सभी अब आपके साथ हैं, तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि भाजपा इस बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? कांग्रेस में टूट हुई, कांग्रेस से नाराज होके, और उन्होंने साफ कहा, बहुत पुरानी बात होगी, ज्योतिरादित्य जी ने साफ कहा, वादे पूरे नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, और जब बात की उनका सड़कों पर आ जाओ। अभी उनका अंदरूनी मामला था, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस अल्पमत में आ गई विधानसभा में, हमने सरकार बना दी, हमारे क्या लेना चाहिए, उनका घर को नहीं संभाल पाया, और वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके मित्रों से कहते हैं सड़क को करें आप। तो लोग अगर छोड़ के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सर निमा विधायक का स्वागत करेंगे। मैंने कहा कि आपसे मुझे पता चला है, ये कोरोना की जो डेथ हो रही है और जो उसके आंकड़े हैं पॉजिटिव फाइनलिस्ट उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है, और मध्यप्रदेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मध्यप्रदेश की पारदर्शिता रखने में उतना राज्य इतना अव्वल नंबर पर नहीं है। WHO ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है कि उनका ऑडिटिंग है, कि आपके इस तरह से जो निर्देश जारी किए गए मध्यप्रदेश की वो मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर उनका विवाद है, उसकी व्यापक सराहना हुई है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी कि इंदौर ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ से निकल गया, उज्जैन बिल्कुल हाथ से निकल गया। आप कंप्लेक्टली दुनिया देखें या देश के बाकी बड़े शहर देखें तो स्थिति बिगड़ती रही, लेकिन मध्यप्रदेश में अपनी स्थिति सफल विकास होने में यहां से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने क्या मानते हैं आप? ये ढोंग करने से क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। महाकाल मंदिर उससे पवित्रतम स्थान क्या हो सकता है? अब हम शुद्धिकरण का ढोल करेंगे तो जनता हंसे क्यों? सर कमलनाथ जी कह रहे हैं जी सर नौकरी।